गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेप्रिसिएशन। देखिए, डेप्रिसिएशन चैप्टर नंबर 16 क्या होता है। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअल या परमानेंट डिक्रीज होना किसी एसेट की वैल्यू को फ्रॉम एनी कॉज, किसी भी कारण से, इसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम होना। अब फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का कम होना, इसके काफी सारे रीजंस होते हैं। नंबर वन, कांस्टेंट यूज। अब कांस्टेंट यूज क्या है, जितना ज्यादा आप यूज करेंगे उतनी वैल्यू क्या होगी, डाउन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्कूटी है आपकी। अब जितनी ज्यादा स्कूटी आप यूज करेंगे उतनी स्कूटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन। सेकेंड है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। एक्सपायरी ऑफ टाइम का मतलब क्या है, देखिए जैसे जैसे ईयर्स होते जाएंगे वैसे वैसे फिक्स एसेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। थर्ड है बाय ऑब्सोलिसन। ये क्या होता है, देखो जब आपने फिक्स्ड एसेट खरीदी, फिक्स एसेट का मतलब फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, तो आपने जब फर्नीचर या मशीन खरीदी क्या आपने सोच के खरीदी थी कि ये लास्ट पीस है, इसके बाद कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, नया चेंज नहीं होगा। तो टेक्नोलॉजी में चेंज होना, फैशन में चेंज होना, डिमांड में चेंज होना, ये होता है ऑब्सोलिसन। हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो हमें पता है कि कल टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी, कल फैशन चेंज हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। एक्सीडेंट, अगर आपने स्कूटी खरीदी है उसी दिन अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच लग जाता है तो वैल्यू क्या हो जाती है, डाउन। सेम एज इट इज मशीन में अगर एक्सीडेंट हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन। तो ये है डेप्रिसिएशन। देखो इसकी ब्रीफली तो हमने डेप्रिसिएशन का मीनिंग बता दिया कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना। वो फिक्स एसेट देखो कोई भी हो सकती है, मशीन हो सकती है, फर्नीचर हो सकता है, ट्रक हो सकता है, बाइक हो सकती है, स्कूटी हो सकती है, ऑफिस इक्विपमेंट हो सकता है, मोटर व्हीकल हो सकता है। फिक्स एसेट की वैल्यू का कम होना, इसे हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन एक ग्रेजुअल का मतलब धीरे धीरे, एंड परमानेंट डिक्रीज होता है किसमें, एसेट की वैल्यू में, किसी ना किसी कारण से। तो मैंने इसके चार कॉजेस बताए। नंबर वन, कांस्टेंट यूज। कांस्टेंट यूज को हम नॉर्मल वियर एंड टियर भी बोलते हैं। जितनी ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा टियर होगी, उतना ज्यादा डेप्रिशिएट होगा, उतनी वैल्यू डाउन होगी। टाइम के साथ भी हर चीज की वैल्यू क्या होती है, डाउन होती है। जैसे आपने एलईडी ली, चाहे आपकी 2 साल हो गए, नई की नई पड़ी है, लेकिन टाइम तो बीत गया ना, टाइम के साथ वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ऑब्सोलिसेंस मैंने आपको बता दिया, 2 तरह का होता है, टेक्नोलॉजी चेंज होना या फिर क्या चेंज होना, फैशन चेंज होना। और एक होता है एक्सीडेंट, एक्सीडेंट से भी वैल्यू कम हो जाती है, चाहे आपकी मशीन आ जाई है लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्क्रैच लग गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। अब डेप्रिसिएशन के 2 मेथड होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, एक होता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड, आपकी बुक में 7-8 सम स्ट्रेट लाइन के हैं और बाकी सम्स हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड के। तो पहले हम करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड। सबसे इजी मेथड है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन सेम परसेंटेज से लगता है। रिटन डाउन जब करेंगे तब एक्सप्लेन करेंगे। अब हमारा टॉपिक है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब सेम डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल। ओके,